अभी हम लोग हैं मेरे स्कूल में, मतलब मेरे एक्स स्कूल में और मेरे भाई के करेंट स्कूल में। इसका आज रिजल्ट है, आज हम लोग वही लेने आए हैं। सालों बाद आया हूँ आज स्कूल। यही ग्राउंड में हम लोग दिन भर पहले खेला करते थे, दिन भर तो नहीं मतलब ब्रेक्स वगैरह में। और ये हम लोग का सुंदर सा स्कूल। एक्चुअली पहले ये बिल्डिंग अटैच नहीं था ऊपर से, बाद में अटैच की गई है। क्या रे, स्कूल तो आना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास खत्म। ये बिल्डिंग में जाना है वैसे। तो रिजल्ट ले लिया वैसे दीपेश का, दिखा दी क्या सबको? हाँ, क्या ये ऑनलाइन क्लास का रिजल्ट ही है? 75% आया ऐसे। रैंक वगैरह आया क्या? 27th। चलो अब तो सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट होगा, अभी पता चलेगा ऑफलाइन क्लासेस में। अभी वैसे ये क्लास 12 है, जहाँ पे मैंने मेरी सीनियर क्लासेस का जर्नी जो है उसे एंड किया था। और उस तरफ आप देख सकते हो, उस तरफ का जो क्लास है वो 11 है। तो हमारे प्लेग्राउंड में उस तरफ है बास्केटबॉल कोर्ट, और उधर कोने में हमारी कैंटीन हुआ करती थी, जो कि अभी भी है। पर अभी जस्ट बिकॉज स्कूल बंद है तो वो भी खुला है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अभी जस्ट बिकॉज इतने दिनों से बंद था तो कैंटीन भी बंद ही है, खुली नहीं है। यहीं पे हम लोग हमारे टिफ़िन ब्रेक के टाइम में गैदर हुआ करते थे, यहीं पे हम हमारे लंच वगैरह किया करते थे। और इधर वैसे हम लोग का वो बैठने का जगह था, तो बहुत ही सारी मेमोरीज़ है इन सारी जगहों के साथ वगैरह। यहाँ पे हम लोग का बहुत फ़ोटोज़ वगैरह यही ग्राउंड में। और ये गोल पोस्ट का यहाँ पे, ये हम लोग का बास्केटबॉल कोर्ट, और इसे हम लोग बोलते थे मंकी क्लाइंबिंग। इसका कलर चेंज कर दिया गया, वैसे पहले दूसरा कलर था। चलो घर। तो हो गया रिजल्ट लेना। अब बाइक को कैसे भी करके निकाल ले। जब हम लोग 11 12 में थे तब हम लोग स्कूटी वगैरह लेके आते थे, तो वैसे बाइक को निकालना है उस तरफ से बहुत ही केयरफुली, तो निकाल लिया जाए सावधानी से। यार इस रास्ता के बारे में क्या बताऊं यार, आज से नहीं बल्कि जब से ये स्कूल खुला है ये रास्ता ऐसे ही कच्चा है, क्योंकि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में नहीं आता, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद पंचायत एरिया में आता है। तो ऐसे अभी तक यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है। स्कूल टाइम पे तो बरसात के टाइम में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी हमें, क्योंकि ये जो पूरा रोड है ये कच्चा है। तो अभी जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पे राइट साइड में थोड़ी बहुत ड्रेनेज फैसिलिटीज़ दे दी गई है, पर वो टाइम पे तो ये भी नहीं था। तो ये पूरा जो रोड है ये फ्लड रहता था, द रोड यूज़ टू बी एंटायरली फ्लडेड कम्प्लीटली पानी से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, अब होता ये था कि मैं आता था पैदल, या तो मैं पैदल आता था या तो मैं साइकिल लेके आता था। तो हम लोग क्या करते थे, मैं मेरे कैरी बैग में मेरे स्कूल के शूज़ को लेके आता था और चप्पल पहन के आता था। तो पूरा चप्पल पहन के ये वाला रोड क्रॉस करता था मैं, उसके बाद स्कूल में जाके फिर वो चप्पल को उस कैरी बैग में रख के शूज़ पहन लेता था। अपने पैरों को सुखाने के बाद वो चप्पल को उतार के मैं अपने शूज़ को पहन लिया करता था। चलते हैं घर।
अभी वैसे 12:30 बज रहे हैं और मैं घर से निकल रहा हूँ पढ़ाने के लिए। अभी अभी कंटिन्यूअसली 5 बच्चे को पढ़ाना है, तो मतलब अभी निकल रहा हूँ तो एक ही बार मैं शाम को आऊंगा। और भाई का डांस क्लास भी है वैसे शाम को। ओए डांस क्लास कितना बजे है? 6 बजे। क्या कर रहे तू लोग वहाँ पे बाइक पे, क्या दिखा रहे तू उसको? ओए उसको देख शर्मा रहा है फिर से, खाली शर्माते रहता है वो। अभी 2 बज चुका है और मेरा एक ट्यूशन तो ख़त्म, अभी और 4 बच्चे को पढ़ाना है, मतलब 2-2 के पैर में। चलिए चलते हैं। अभी बज रहे 4 और एक ट्यूशन बाकी है, चलो चलते हैं जल्द से जल्द। अभी बज रहे 5:10 और दिन का फाइनल ट्यूशन ख़त्म। आसमान में तो कल रात से ही बादल छाए हुए हैं पर अभी तक बारिश नहीं हुई। सुबह सुबह एकदम हल्की हल्की बारिश हुई थी पर आज से तो बारिश का कोई खबर ही नहीं है। अब पता नहीं कब होगा कब नहीं, पर इतना तो कन्फर्म है कि अब अगर बारिश होता है तो बहुत ही दमदार बारिश होने वाला है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे बादल मतलब एक जगह पे जम रहे हैं सिलगढ़ी का जो ये एरिया है। तो लेट्स सी क्या होता है, मेरे व्लॉग्स में तो मैं अपडेट कर ही दूंगा क्या हो रहा है और क्या नहीं। रेडी टाइम है अभी थोड़ा देर, चल कॉफ़ी रेडी है वैसे, जल्द से जल्द पी लिया जाए और उसके बाद जिम भी जाना है। 1/2 घंटा हाथ में क्योंकि भाई का डांस क्लास स्टार्ट होता है 6 बजे, तो जल्दी ख़त्म करते इसको। चल तू व्लॉग व्लॉग में सब लोग को मालूम है तू डांस क्लास जाता है हर हफ्ते, कहीं करके दिखा दे। नहीं जा जल्दी जा, एक स्टेप दिखा, एक स्टेप दिखा लिया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, आदत पड़ जाएगी। तो अभी बज रहे हैं 9:10 और आज है 30th March। तो आज मूनलाइट का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, तो जैसे कि आप देख सकते हो टीवी पे, तो मैं अभी इसे ही प्ले करने वाला हूँ। बाहर ही है लोग, बुला एक बार, बुला ना। आया 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 आया, इसको खाने नहीं देगा ये देख, चल गेट लगा देता है। सो बैक टू माई रूम, जैसे कि अभी आप देख सकते हो भाई भी आ चुका है। वैसे ये मेरे साथ सोता नहीं है, ये भी क्लास 5 में जाने वाला है और ये अभी तक मोहित बाबा के साथ सोता है। चलिए आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, तो बस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो जाकर मेरे चैनल के दूसरे ब्लॉग को देखना मत भूलना। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाते रहता हूं। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।